हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी ने जो ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट सेशन 1922 के लिए जो क्वेश्चन बैंक निकाला है, उसमें हम जूलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। इस बार एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है। कोविड के कारण बहुत लेट हो गया, तो अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें हम पेपर वन, जो कि टॉपिक नॉन कोऑर्डिनेट है और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, इसको देखेंगे। टोटल 300 क्वेश्चन है, जिसमें से हम अभी 25 क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट वाइज मैं आपको जो पूरे 300 क्वेश्चन है उसका आपको आंसर बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। याद रखिएगा, ये पेपर वन है, ठीक। पेपर वन जो कि है नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। टोटल 300 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर वन से हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टैक्सोनॉमी, टैक्सीडर्मी, फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, डार्विन, एरिस्टोटल, मेंडल, डे वेराइस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिस्टोटल। एक बात और, भले ही बिहार यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट के लिए निकाला है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी का, तब भी इसको देखें, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके साइंस से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहते हैं इनमें से। तो अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंक्लूड्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस होता है और स्पीशीज होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्लोस लीनियस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट एच विटेकर, हीकल। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट एच विटेकर, यानी आर एच विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट असेंडिंग हायरार्कियल ग्रुपिंग ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो ये जो हायरार्की होता है वो इस तरीके से होता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस होता है, सबसे पहले किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ऑप्शन नंबर वन में फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के बाद ऑर्डर दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज़, ये सीक्वेंस भी गलत है। नेक्स्ट है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर थ्री को, आंसर भी यही होगा इस सीक्वेंस से, कि सबसे पहले स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ नेम वाज क्वाइंड बाय टेलर, ग्रांट, गोल्डफस, हाइमैन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्डफस ने सबसे पहले प्रोटोजोआ नाम दिया था। नेक्स्ट, पोडिफेरा नेम वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस, रॉबर्ट ग्रांट, एरिस्टोटल, इलियास। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन इज़ फाउंड इन फाइलम पोडिफेरा, प्लेटी, हेलमिंथीस, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोर्डेटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेटी, हेलमिंथीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटी हेलमिंथीस नेम वाज सजेस्टेड बाई हियामैन, गैगेनबॉर, टेलर, जॉनस्टन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, साइकॉन, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू लोकेट, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप, टू स्टडी इवोल्यूशन, टू स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्लास, स्पीशीज, जीनस, फैमिली। तो यूनिट इसका स्पीशीज होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट, द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स,
फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स सच एज स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ईटीसी. तो इसका आंसर ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर वाज लेड बाय चार्ल्स डार्विन, मेंडल, कार्लोस लिनियस, ह्यूगो डे वराइस. तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्लोस लिनियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडर्मा इज अ सब फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ. प्लाज्मोडर्मा जो है वो प्रोटोजोआ का सब फाइलम है. अगला क्वेश्चन है, सिलियोफोरा इज अ सब फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ. नेक्स्ट, प्रोटोजोन्स हैविंग सीलिया बिलोंग्स टू क्लास सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, क्लास राइजोपोड्स, क्लास मेस्टिगोफोरा. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीलिएटा. अगला क्वेश्चन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास राइजोपोड इज फ्लेजेला फॉर लोकोमोशन, सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल, पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन. क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगी. आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, पोलिस्टोमेला बिलोंग्स टू क्लास राइजोपोडा, क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास सीलिएटा, क्लास स्पोरोजोआ. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लास राइजोपोडा. अगला क्वेश्चन है, अमीबा प्रोटियस इज फ्री लिविंग एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, सिम्बायोंट. तो ये पैरासाइट होता है और उसमें भी ये एंडो पैरासाइट होता है. नेक्स्ट, अमीबोइक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटामीबा जिंजिवेलिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, लेशमेनिया डोनोवानी. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. नेक्स्ट, कालाजार इज कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवानी, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एस्केरिस लैम्ब्रिकोइड्स, टेनिया सोलियम. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिस्मेनिया डोनोवानी. नेक्स्ट, पैरामिशियम बिलोंग्स टू क्लास सीलिएटा, क्लास स्पोरोजोआ, क्लास राइजोपोडा, क्लास फ्लैजेलेटा. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लास सीलिएटा. तो ये क्वेश्चन नंबर 25 तक हुआ, टोटल 300 हैं. तो मैं आपको पार्ट वाइज 25-25 करके पूरे 300 पेपर 1 के भी आंसर बता दूंगी और पेपर 2 जो है उसका भी आंसर बता दूंगी.